नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव काफी करीब है और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने सभी दांव पेच आजमाने में लगी हुई हैं। इसी के चलते उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुरला से कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में घर वापसी करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायक राजकुमार आज दिल्ली में बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2007 से 2012 तक राजकुमार सहसपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2012 में उन्होंने पुरोला से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह मालचंद को पुरोला से टिकट दे दिया और मालचंद विधायक बने। फिर 2017 में भी राजकुमार ने टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी ने फिर राजकुमार को टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर राजकुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के टिकट से पुरोला से विधायक का चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। लेकिन एक बार फिर राजकुमार दिल्ली में बीजेपी में घर वापसी करते हुए बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि विधायक राजकुमार के करीबी सूत्रों ने की है। आपको बता दें कि राजकुमार को फिर से बीजेपी में शामिल कराने के लिए अनिल बलूनी का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। इससे पहले प्रीतम पवार भी अनिल बलूनी के ही मनाने पर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कांग्रेस से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे एन न्यूज़। नमस्कार।